कल के एपिसोड में हमने देखा था कि तनु कहीं बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है, बट पीछे वाली सीट पर रोनी पहले से बैठा होता है। रोनी उसका गला दबाता है और उसे कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, और वो अपनी मौत का बदला तुमसे ज़रूर लेगा। तनु उसको धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और सीधे गार्डन में चली जाती है। दूसरी तरफ अभी और प्रज्ञा गार्डन में घूमने आते हैं। प्रज्ञा अभी को कहती है कि आओ मैं आपको पौधे दिखाऊँ। दूसरी तरफ आलिया एक चोर को पैसे देती है ताकि वो अभी के कमरे से जाकर सीढ़ी उठा सके, बट चोर उसको कहता है कि आखिर क्या वजह है तुम एक सीढ़ी के लिए मुझे इतने पैसे दे रही हो। आलिया कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं और तुम सीढ़ी मुझे ला के दो। दूसरी तरफ रोनी तीन चार लोगों को अपने जैसे कपड़े पहना कर उनको कहता है कि तुम भी तनु को डराओ, अगर वो एक रोनी को देखकर तनु इतनी डर गई है तो सोचो चार रोनी को देखकर वो कितना डरेगी। तनु भाग रही होती है कि अचानक रोनी उसके सामने आ जाता है। मारे जाने के डर से तनु उसको सबको साथ साथ बता देती है और वो कहती है कि वो सारी सजा अभी कोई बता देगी कि रोनी को उसी ने मारा और निखिल ने ही सरला को किडनैप किया था और जब सरला भागने लगी उसी ने उसको गाड़ी से टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ प्रज्ञा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि वो सब कुछ अभी को दिखा देगी। तनु डर की वजह से अपनी आँखें बंद कर लेती है। जब आँखें खोलती है तो रोनी वहाँ पर नहीं होता। अभी भाग के तनु को कमरे में ले जाता है और उसको हौसला देता है कि तुम इस बारे में ना सोचो क्योंकि इसकी वजह से हमारे होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रज्ञा अभी को वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेगी ताकि वो तनु की सच्चाई सबके सामने ला सके।